हाई गाइज वेलकम टू बॉलीबी आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस की जो है जैकलीन फर्नांडिस सुकेश चंद्रशेखर और नौरा फतेहही के बारे में ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज इस एक्ट्रेस ने बहुत सारे गिफ्ट्स बहुत सारे पैसे एंड आई एम टॉकिंग करोड़ों के गिफ्ट्स और कैश लिया है इस कॉन्मैन से इस क्रिमिनल से और वो आज की डेट में जब ईडी की इन्वेस्टिगेशन में फंस गई है तो जैकलिन बोल रही है कि उनका कुछ भी नहीं मालूम था वो जानती ही नहीं थी कि ये आ, सुकेश एक क्रिमिनल है और मजे की बात यह है कि वो तीन बार तिहाड़ जेल जाके आ चुका है 2011 में 2014 में और फिर 2021 में अरेस्ट हुआ फाइनली वो हर बार बेल पे छूट जाता है और बाहर आ जाता है लेकिन अगर आज की डेट में आप गूगल यूज करोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा इस इंसान के बारे में इतने सारे आर्टिकल्स निकले हैं लेकिन नहीं आपको करोड़ों के गिफ्ट्स मिल रहे हैं तो आप क्यों गूगल यूज करोगे और वैसे भी आई अंडरस्टैंड जैकलिन फर्नांडिस पहली बार सुकेश से ना दो में मिली थी और ओ हो हो बिचारी उस टाइम पे ना इंटरनेट इन्वेंट नहीं हुआ था तो कैसे गूगल करती है ना सी ऑल एंड डन जिसको जो करना है उसकी मर्जी है लेकिन फिर बाद में आप ये मत कहिए कि हमें तो कुछ नहीं पता हमें तो कुछ भी नहीं समझ में आया प्लीज आप उनसे करोड़ों के गिफ्ट्स ले रही थी प्राइवेट जेट भेजता था सुकेश जैकलिन के लिए जो उसको मुंबई से चेन्नई लेके जाता था जहाँ हयात होटल में अः वो हयात होटल में वो लोग साथ में स्टे करते थे वो लिव इन करते थे एक ही रूम में रहते थे उसके बाद इतनी सारी फोटोज वायरल हुई हैं जहाँ पर सुकेश और जैकलिन के पिक्चर्स हैं जहाँ जैकलीन मेयरली अपने लॉन्जरे में है ब्रा में है हिकीज हैं उनके नेक पे और वो बहुत कोजी हैं बेड में पिक्चर्स क्लिक हुई हुई हैं तो फिर आप एकदम से इनोसेंट बंद बनिए और जैकलीन को ही नहीं जैकलीन की फैमिली मेंबर्स को भी पोर्श गाड़ी जो गाड़ी ही करोड़ों की है उसकी मदर को दी है सुकेश ने उसके भाई बहनों को मतलब इतने बड़े बड़े अमाउंट्स दिए हैं और आज की डेट में जैकलीन कह रही है कि उनको कुछ भी नहीं पता था तो ये सब शुरू ऐसे हुआ कि जैकलीन का जो मेकअप आर्टिस्ट है शानू करके उसको कांटेक्ट किया था सुकेश ने और उसने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा जैकलीन से बात करना और शानू ने बात करवा दी इतना सिंपल <laughs> इतना सिंपल है क्या और फिर जैकी ने एक बार भी इस स्ट्रेंजर पे कोई रिसर्च नहीं की वो सीधा उनसे मिलने लग गई उनसे गिफ्ट्स लेने लग गई और अब आपको मैं बताती हूँ कि जैकलीन ने कितने सारे करोड़ों के गिफ्ट्स लिए हैं सुकेश से तो अभी हम लोग आते हैं वापस से जैकलीन पे बिकॉज इसमें और भी कई चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ सो so जैकी ने जो जो गिफ्ट्स लिए हैं सुकेश से वो तो मतलब सुन के ही इंसान गए कि मतलब क्या ही कर रही हो बहन तुम सो so उन्होंने उन्होंने बर्किन बैग्स लिए हैं चार बर्किन बैग्स हर बर्किन बैग एक करोड़ से चार करोड़ तक का प्राइस टैग होता है उसका और बर्किन बैग्स सिर्फ बैग नहीं होते वो ऑलमोस्ट एक इन्वेस्टमेंट की तरह लेते हैं लीक लोग रिच लोग क्योंकि ये आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको पैसे की जरूरत है आप बेच सकते हैं और ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं करोड़ों में बिक भी जाते हैं एक डिप्रीशिएटिंग एसेट की तरह काम नहीं करते उन्होंने बर्क इन बैग्स लिए बहुत सारे उन्होंने अपनी स्टाइलिस्ट को बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लग्जरी ऑट ऑटकुच्योर ब्रांड्स और डिज़ाइनर स्टाफ चूज़ करने के लिए बोला और उसकी टोटल बिल था कुछ तीन करोड़ समथिंग का जो सुकेश ने पे किया था स्टाइलिस्ट को और स्टाइलिस्ट ने ख़ुद ऑन रिकॉर्ड आके ये बयान दिया है कि हाँ मुझे तीन करोड़ रुपए मिले सुकेश से और मैंने वो सारे के सारे जैकी ने जो भी कपड़े जूते ज्वेलरी डिज़ाइनर स्टाफ और कुर जो भी पसंद किया था लग्जरी आइटम्स मैंने वो ख़रीदने में उन तीन करोड़ समथिंग रुपए का इस्तेमाल किया उसके अलावा गुची बैग्स अर्मेज कार्टियर के ब्रेसलेट्स रोलेक्स की घड़ियाँ जो कि आधी करोड़ों में है ये सब चीज़ें मतलब हर गिफ्ट जो है मतलब, हर गिफ्ट करोड़ों में है तो मतलब क्या ही कहने बहन तुम्हारे कि तुमने हर गिफ्ट ही करोड़ों में लिया है तो उसका एग्रीगेट तो बनेगा ही ना फिर मोटा तगड़ा उसके बाद आप कह रहे हो कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता था अच्छा मुझे एक बात बताइए अगर आपका एक नया जानकार बनता है जो आप कह रही हैं मैं उसे डेट करने लग गई थी और मुझे अच्छा लगता था वो एक नॉर्मल लड़की जिसका बॉयफ्रेंड फेमस भी नहीं है वो भी सबसे पहले गूगल पर डाल के देखती है मतलब आजकल गूगल ऐसे हो गया है कि हो ही नहीं सकता मतलब लोग अपने फ्रेंड्स को कलीग्स को सबको गूगल करके देखते हैं और आपको एक इंसान जिसको आप कुछ भी नहीं जानते जिसके बारे में आपको करोड़ों पे करोड़ों आपकी फैमिली को करोड़ों की गाड़ियां करोड़ों के गिफ्ट्स दिए जा रहा है आपने एक बार भी जहमत नहीं उठाई ये देखने की कि भाई कौन है अगर अंबानी अडानी नहीं है और ऐसे प्राइवेट जेट्स हर दूसरे दिन तुमको भेज रहा है चेन्नई बुलाने के लिए तुमको होटल्स में तो आपने एक बार गूगल करके नहीं देखा ये तो मतलब बहुत ही अनबिलीवेबल हो जाता है कि यार अभी तुम कुछ भी बोल रहे हो लाइक प्लीज हाँ कुछ भी इनफैक्ट इन कंपैरिजन बेचारी नौरा लगती है कि वो तो ऐसे ही फंस गई क्योंकि नौरा ने तो सिर्फ एक इवेंट करने के बदले में जो कि सुकेश की वाइफ की कंपनी है एल एस कॉरपोरेशन लीना उसकी वाइफ है सुकेश की तो लीना के लिए एल एस कॉरपोरेशन का एक इवेंट किया था नौरा ने जिसमें उन्होंने पेमेंट की जगह पे उनको एक बी गाड़ी दे दी थी और वो भी नौरा ने वो इवेंट के बदले में एक्सेप्ट की थी और वो भी जैकी के साथ साथ फंस गई क्योंकि उसने इन अ वे गिफ्ट लिया था लेकिन बेचारी द्वारा उसको तो मौका भी नहीं मिला करोड़ों के बैग्स और करोड़ों की ज्वेलरी और लाखों के घोड़े और बिल्लियाँ लेने का वो बेचारी तो फ्री फंड में फंस गई सो इन टोटल उस एल एस के इवेंट के लिए नौरा को एक बी गाड़ी दी गई गुची का एक बैग दिया गया और आईफोन 12 जो उस टाइम पे सबसे लेटेस्ट था आईफोन 12 दिया गया और उसके अलावा नौरा ने सुकेश से या उसकी वाइफ लीना से और कुछ भी गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं किया है कभी सो कंपेरेटिवली रेलेटिवली शी हैज नॉट रियली टेकन एडवांटेज शी के नॉट रियली बी लुक डैट एज अ गोल्ड डिगर बिकॉज उसने एक इवेंट किया उसके बदले में उसने जो भी अपना एक गाड़ी एक बैग और एक फोन लिया विच इज अगेन नॉट हाउ इट हैपन्स बट फिर तो अभी ऐसा भी हो सकता है कि सुकेश ने जानबूझ कर जैकलीन और नौरा जैसी एक्ट्रेसेस को ही टारगेट किया जो कि इंडियन सिटीजन्स ही नहीं है सो so बेसिकली uh, जैकलीन श्रीलंकन है और नौरा है कैनेडियन तो ये लोग इंडियन सिटीजन्स ही नहीं हैं और किसी भी मूवमेंट पे अगर ये लोग अपनी ओरिजिनल कंट्री में चले जाए इंडिया को छोड़ के तो इंडिया में कोई कुछ नहीं कर सकता है जैसे कि आपको मालूम ही है पहले भी बहुत सारे लोगों ने जैसे विजय माल्या या ऐसे जितने भी लोग इंडिया छोड़ के चले गए हैं उन पर फिर जो है लीगल कार्रवाई ख़त्म तो नहीं होती बट ऑलमोस्ट स्टैंड स्टिल पर आ जाती है बिकॉज वो लोग यहाँ से चले गए हैं और ऊपर से अगर कोई इंडियन सिटीज़न ही ना हो फिर तो बिल्कुल भी आप उनका कुछ नहीं भी कर सकते इसीलिए दोनों जैकलीन और नौरा को इंडिया से बाहर जाने की परमिशन ही नहीं है स्ट्रिक्टली उनको मनाही है इंडिया छोड़ के जाने की जो कि बहुत भारी पड़ रहा है जैकलीन को बिकॉज 2021 में पिछले साल उन्होंने दिसंबर में जाना था हर साल की तरह द बंग टूअर पे सलमान खान के साथ सलमान खान के साथ द बंग टूअर पे वो पिछले कुछ सालों से जा रही थी लेकिन लास्ट ईयर 2021 में बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस उनको बाहर जाने की परमिशन नहीं थी और इसी वजह से सलमान खान ने जैकलिन फर्नांडिस को दबंग टूर में रिप्लेस कर दिया आप अपने व्यूज मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइए आपका क्या सोचना है इस पूरे स्कैंडल के बारे में आपको क्या लगता है कि नौरा जैकलिन सेम लेवल पर गिल्टी है या फिर आपको लगता है कि इन दोनों एक्ट्रेसेस में किसी एक की गलती दूसरी से ज्यादा है आपके सुकेश द क्रिमिनल स्लैश कॉन मैन स्लैश एक्सटोशनिस्ट पर क्या व्यूज हैं प्लीज़ हमें बताइए आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इसे थम्स अप दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हम बहुत ही जल्दी आपके लिए और अच्छे वीडियोस लेकर आ रहे हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग बाई